जिथे इस संघर्ष के नाल नौजवान बहुत तादाद जुड़े ने, बेरोजगार हो, पढ़े लिखे हो, सबनों पता है कि इस जो आर्डिनेंस है इसका नुकसान है, सबनों नुकसान है, तो किन्ना नुकसान है सबनों पता है। तो अनीत जी साढ़े नाल हाजिर ने, इन्हां नाल गल करते। बैनीपाल जी की कहना चाहते हो, तुसीं चंडीगढ़ च रहिंदे हो, पढ़े लिखे हो, वधिया फैंसी ड्रैस पाई है, तो साढ़े जिवें हुण नौजवान तुहानूं पता खेती करदे ने, उह इहो जिहे कपड़े पा के तां नहीं खेती कर सकदे, तुसीं इस संघर्ष नाल किवें जुड़े हो? संघर्ष नाल जी इस तरीके नाल जुड़े, मेरा आपदा एक चैनल है मध्यम, मैं यूट्यूब ते अनीत सिंह बैनीपाल दे नाम तों, मेरा भरा अज मैं रैली ते काफ़ी दिन तो जाण दी सोच रहा सी। देखो जो भी अपने किसानां नाल हो रहा है, किसान अपना अन्नदाता है ना जी, बहुत धक्का हो रहा है। मोदी सरकार ने बिल पास किया जो कि बिल्कुल किसानों के हित च नहीं है, तो मैं ये बिल्कुल खिलाफ हाँ। मैं भी वैसे किसान फैमिली तो बिलोंग करता, पिछोकड़ मेरा जो कि मैं चलो आप खेती नहीं करता, लेकिन मेरी फैमिली जी खेतीबाड़ी फैमिली मैं बिलोंग करता, तो मैं ये धक्का हों नहीं देख सकता। देखो अपने सिंगर भरा भी इकट्ठे हुए थे, मैं गीत भी गाँव, तो मैं सिंगर भी एज अ बडिंग सिंगर आ रहा, तो मैनू बड़ा यूथ में देखो अगे आने की बहुत जरूरत है इस चीज़, हरेक इंसान चाहे वह छोटी उम्र का है चाहे वह वड्डी उम्र का, इस जागरूकता मतलब इसको अगे लैके जाना, एक नाल जुड़ना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि किसान भरा इकट्ठे होंगे इस चीज़ से, किसान है जी रोटी देंगे ने सू, साढ़े ढिड चलते हैं, साढ़े घर चलते हैं, रोटी तो बिना नहीं चलता, तो यही राइट टाइम है जी इकट्ठे होने का, चाहे वह किसी मुद्दे को लैके है। मैं भाजी नाल अज आया इस रैली के थ्रू, तो मैं आप परसनली चाहता सी कि मैं जावा, देखो किसी के कहे तो नहीं आया, मेरा आपका मन से करके मैं आया, तो मैं ये जागरूकता जगाना चाहता। कोई भी यूथ है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो पढ़ा भी सारे इकट्ठे हो, जिन्ना अपने वालों हो सकता करो, जिन्ना जी सद के आके रैलियाँ साथ दो किसानों का, तो जरूर सारा कुछ कवर करो तुम जो भी ये हो रहा, एक ना एक दिन आप इस चीज़ जित जरूर पा लेंगे, लेकिन आपको खड़े रहना बहुत जरूरी। हाँ जी अज आप आए जी अपना मुलापुर जो चंडीगढ़ की बिल्कुल मेन एंट्री से, जिथे आप रैली कढ़ रहे हैं किसान दे किसानां भरावां वीरां दे हक दे विच। आ मेरे नाल खड़ा मेरा राजन भरा, असीं हुणे रैली कढ़ के आए ट्रैक्टर दे, आ अपने कुछ अपने होर वीर खड़े ने, इत्थे तुसीं देख सकदे हो मेरे पिछे एक तो लैके पता नहीं किन्ने ट्रैक्टर खड़े ने लाइन च, घट्टो घट 100-150 ट्रैक्टर आया होना। देखो जो ये मोदी सरकार ने बिल पास किया किसानों के जिहड़े हक च नहीं है, असीं इहदी बिल्कुल निंदा करते हैं, असीं इहदे बिल्कुल खिलाफ हाँ, असीं चाहते हैं कि जिहड़े साडे किसानों नाल धक्का हो रहा, ना इंसाफी हो रही है, ये बिल नूं खारज किया जाए, तो जो मुड़ किसान साडा जिहड़ा है जिहड़ा साडा अन्नदाता है। देखो एसियां च बह के बहुत कुछ हुंदा, सरकारां एसियां च बह के हुक्म चलाई जांदी है, आप वह कभी खेतों च बड़े तो अज वो साढ़े तो हुक्म भी चला रहे हैं, धक्काशाही नहीं बर्दाश्त करांगे असी, ना ही ये तानाशाही चलन देवे मोदी सरकार की, जो ये बिल पास करे इन्हों बिल वापस लेना ही पेगा हर हाल के, असी ये जी लड़ाई है असी ये जारी रखांगे। शंभू बॉर्डर से भी साढ़े वीर बैठे ने, बाकी पंजाब चाडर थावां ते अपने वीर भरा किसान बैठे ने, अपने हक की अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो असी भी उन्हों का अज इतने पक्ष पूर्ण आया, असं भी उन्होंने इतने अज रैली कढ़ रहे हैं, असं मुलापुर खड़े हैं बिल्कुल चंडीगढ़ के एंट्री से, चंडीगढ़ न्यू चंडीगढ़ एंट्री नहीं करन दे रहे, लेकिन असी ये लड़ाई जारी रखांगे जब तक साडा बस चलूगा। मैं कवर करन आया थोड़े सामने, थोड़ा वीर अनीत सिंह बैनीपाल ते मेरा वीर इत्थे राजन बैंस खड़ा, असं हुणे रैली कढ़ के आया, तो मेरे पिछे देख सकते हो तुसीं ट्रैक्टरां दा काफला ही काफला, ये सारे वीर भरा अपने घर बार छड्ड के फसलां छड्ड के इत्थे रैली कढ़न आए ने, अपने हक की लड़ाई असी जारी रखांगे, तो असी हार नहीं मननी, क्योंकि जे अज असी इकट्ठे नहीं होए तो फिर असी कदे इकट्ठे नहीं हो सकते। ये जो समा आया साढ़े पंजाब ते कि पूरे देश ते, ये असी एकजुट होकर लड़ना है, तो असी खड़े रहांगे एंड तक, जब तक साढ़े हक च फैसला नहीं हुंदा असी जरूर ये जंग जड़ांगे, और ये लड़ांगे एकता नाल, यूथ लड़ेगी, किसान वीर भरा लड़नगे, सारे एक होकर लड़नगे, सरकार साढ़े नाल धक्का नहीं कर सकती। जय जवान जय किसान, यही नारा असी मजबूत रखना, असी इत्थे डटे हुए हैं, मैं थोड़ा इतने कवर कर रहा, मैं थोड़ा दिखाना है, अच्छ मैं काफला दिखाऊंगा, तुझे पिछे रैली देखो किसानों की जो अपने वीर भरा कढ़ रहे हैं।